नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीकेडी न्यूज झारखंड और मैं पप्पू यादव भारतीय। देवघर उपायुक्त ने एक नई कार्यक्रम की शुरुआत की है, डीसी विथ डिनर। डीसी विथ डिनर क्या है, आज इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहले ही टॉक टू डीसी नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके कारण कई भ्रष्ट अधिकारियों और कामचोर अधिकारियों और मुखिया की नींद हराम है। उसके बाद डीसी ने एक नया कार्यक्रम डीसी विथ डिनर नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो लोगों की समस्या को सुनने का काम करेगी। तो ये पूरा कार्यक्रम क्या है, आइए इसी के बारे में हम आज जानते हैं कि यहाँ 795 सिर्फ इस पंचायत में 795 नए पेंशनधारियों को स्वीकृति किया गया है, जब से सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम हुआ है। 795 में से कुछ लोगों को हो सकता है अभी शुरू नहीं हुआ होगा, अभी जस्ट पोर्टल में एंट्री हुआ है, तो वो आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो कभी एक बार यहाँ से बैंक वाले आके कैंप करके किसी का वो आधार मैपिंग में कोई दिक्कत है तो वो लोग कर देंगे। लेकिन अगर आप लोगों का लगभग जो बता रहे हैं ना कि ये तो सरकार द्वारा लगाकर जहाँ पे हुआ तो उन्होंने फायदा पे नहीं किया, उन्होंने पे रोड करेगा। माता जी आपको क्या दिक्कत है बताइए। पेंशन नहीं मिल रहा। कितने महीने से? कितने महीने से? कितने महीने से? महीने से नहीं मिले छो। कितना महीने से नहीं मिले? 5 महीने। सारा चीज एक साथ आ जाएगा। पचानवे लोगों को यहाँ इस पंचायत में लाभ मिल रही है, उनके साथ बात भी करना था और उनकी क्या समस्याएं हैं उन्हें भी सुनना था। और यहाँ बहुत सारे लोगों को स्वीकृति हो चुका है, कंप्यूटर में एंट्री भी हो चुका है और आने वाले समय में हम लोग सारे 194 पंचायत में रखे हैं कि सैचुरेशन मोड में काम करने के लिए, कि जितने भी बुजुर्ग हैं 60 बरस के ऊपर के सब लोगों को पेंशन मिलना चाहिए और जो भी हमारे विधवा बहन लोग जो 18 बरस के ऊपर के उन सबको पेंशन मिले और विकलांग हो।